कोरोना वायरस के चलते आप क्या संदेश दे रहे हैं? कोरोना वायरस के चलते हमारा ये संदेश है, हमारी एक एसोसिएशन है लखनऊ वेलफेयर एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष श्री अंकित दास जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री पावन राजीव दास जी के सपोत्र हैं, उनके द्वारा एसोसिएशन स्टार्ट की हुई है काफ़ी टाइमों से और ये समाज से भी काम करती है। कोरोना का देखते हुए हमारे एसोसिएशन ने फैसला लिया अध्यक्ष जी ने कि हमें भी गरीबों को अन्नदान देने की तैयारी की जाए, उसके लिए 26 तारीख से हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष श्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अरुण गुप्ता जी, उपाध्यक्ष श्री अब्दुल्ला सिद्दीकी जी, मैं खुद पार्षद अमित कुमार चौधरी एसोसिएशन में उपाध्यक्ष हूँ और महामंत्री हमारे विकास विक्रम जी और कोषाध्यक्ष श्री सरफराज जी के द्वारा ये निरंतर 26 तारीख से तकरीबन 1000 से 1500 परिवारों को पर डे गोबर की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है अनाज की और जगह जगह की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से काम कर रहे हैं राज विक्रम जी जो अपना अंसल सिटी में काम कर रहे हैं, हमारे महामंत्री हैं, वो बाहर से आए मजदूरों को वहाँ वितरण कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे अरुण जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी वो कैंट में लगे हुए हैं, इसी तरीके से रामदास का हाथा कैंट और नीलमथे में लगे हुए हैं और वो खाना बाजार जहाँ जहाँ गरीब मजदूर जिस तरह के लोग परिवार के सदस्य जिनको ज़रूरत है इसकी वहाँ लगे हैं। इसी तरह हमारे अब्दुल्ला सिद्दीकी जी आपका बाबू मनासी दास वार्ड में सुदामापुरी हो गया और खाता खौजा गौर हो गया और पुराना किला हो गया, इसी तरीके से जहाँ जहाँ व्यवस्था दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारी एक और सारी टीम कोर टीम से निकले, मैं खुद पार्षद महात्मा गांधी वार्ड से हूँ और मैं खुद एसोसिएशन की तरफ से अपने वार्ड में जगह जगह नई बस्ती है, बाड़िया माहौल है आपका, हुसैनगंज है, अलगड़ा है, इन सब जगहों पर 26 लोगों को अन्न पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। बाकी हमारे उपाध्यक्ष जी भी कुछ बोलना चाहें इसके लिए और इस अब्दुल्ला उपाध्यक्ष जी कुछ। कोरोना वायरस से बचने के लिए देशवासियों के लिए क्या संदेश है? कोरोना वायरस से यही बोले कि आप सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाएं, कम से कम स्टे होम सेफ होम, आप घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, जरूरत करने पर आपको सरकार द्वारा नंबर दिए गए विभिन्न संस्थाओं द्वारा उस पर संपर्क करें, आपको दवाओं की जरूरत है आप उसी तरह की संस्था को आप फोन कर सकते हैं, उस विषय में संस्था का भी नंबर पड़ा हुआ है। बाकी कुछ अब्दुल्ला जी कुछ बोलेंगे इसके लिए। सरकार द्वारा जो पार्षद जी मुहैया कराया गया कुछ अभी नहीं कराया गया है आप लोगों को? सरकार द्वारा तो हम लोग के पास कोई स्कीम नहीं आई है, सरकार सिर्फ कागजों में है, हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अनाज दिया जाएगा सभी कोटेदारों को, उसमें क्या कहना है इसके बारे में? हमारी संस्था से कोई बता, हमारी संस्था अपना निजी तरीके से काम कर रही है और इस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग को जहाँ भी संदेश मिल रहा है हम लोग वहाँ अन्न पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्न की सामग्री में क्या क्या दे रहे हैं? अन्न की सामग्री में अभी हम लोगों ने शुरुआत चावल दाल और आगे का प्रावधान है आटा, मास्क, सैनिटाइजर इस तरह का अभी कर रहे हैं और अभी आगे और चीज भी ऐड ऑन होगी संस्था के साथ। जैसे पुलिस जनता के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रही, लाठी चला रही, कहीं कहीं पे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, उस पर क्या कहना है आपका? ये पुलिस का अपना कार्य है, हम उस पर क्या करें, हम लोग संस्था के लोग हैं, हम लोग का तो काम सिर्फ अन्न देना गरीबों को। क्या ये माना जाए कि पुलिस बर्बरता कर रही है या इसके बारे में? ये पुलिस और जनता को चाहिए कि जनता खुद जागरूक रहे, अपने अपने घरों में रहे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 1 लाख वेंटिलेटर और 133 करोड़ की आबादी है। अगर हम बीमार होते हैं तो इलाज कराने कहाँ जाएंगे? इसका सबसे बड़ा इलाज ही बचाव है। हम जितना भी अपने घर में रहेंगे सजग रहेंगे और हम क्या, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हमारे जैसी और भी बहुत सी कार्यदायी संस्थाएं जो लोगों की मदद कर रही हैं और सिर्फ वो भरोसा रखें उन तक मदद जरूर पहुँचेगी। सिर्फ अपने घर में रहें, सेफ रहें, बचाव हो इसका इलाज।